देखिए धर्मशाला में धर्मशाला को चूज़ किया गया है G20 के एक साइंटिफिक इवेंट के लिए और 19 और 20 तारीख को यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे एक जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है की जाएगी और लगभग 70 डेलीगेट्स हैं जो एक्सपेक्टेड है इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लगभग 30 डेलीगेट्स हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और 18 तारीख को यानी कि कल इन डेलीगेट्स का जो आगमन है वो धर्मशाला के अंदर होना शुरू हो जाएगा और 19 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो रेडिसन के अंदर की जाएगी और वहाँ पर जो सुबह से लेकर शाम तक इनकी जो साइंटिफिक डिलिब्रेशंस हैं उसके लिए उसको शेड्यूल किया गया है। और 20 तारीख को जो लोकल एक्सकर्शंस हैं उसमें क्योंकि कांगड़ा की दो चीज़ें बहुत फेमस है, कांगड़ा टी और कांगड़ा पेंटिंग्स, तो डेलीगेट्स इंक्लूडिंग हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं साथ हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं उनको भी एक्सपीरियंस कराने के लिए जो प्लान किया गया है वो एक तो मान टी एस्टेट की विज़िट की जाएगी, वहाँ पर जो टी कांगड़ा टी कैसे बनाई जाती है उसको भी सभी डेलीगेट्स को फिटनेस करवाया जाएगा, साथ साथ टी टेस्टिंग रहेगी, टी प्लकिंग एक्टिविटी भी वहाँ पे रहेगी और इसके अतिरिक्त उसके बाद जो उनकी विज़िट है वो कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम को भी प्लान की गई है कि जो कांगड़ा आर्ट की जो हिस्ट्री है और किस प्रकार से ओवर द ईयर्स जो कांगड़ा आर्ट है वो डेवलप हो रही है और इस समय उसके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो उसकी भी एक अवेयरनेस के लिए और शोकेस करने के लिए जो है वो विज़िट रहेगी। ये विज़िट जो है 20 तारीख को ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो ये 2 दिन का शेड्यूल है और ज़िला प्रशासन की तैयारियां हर रूप से पूर्ण है इस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए और जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनकी लगभग जो मैक्सिमम डेलीगेट्स हैं उनकी वापसी 21 तारीख को है और मैं मानता हूँ कि ये अच्छा इवेंट रहेगा और धर्मशाला को पहले जब हमारी पहली चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद टूरिज़म मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, अब नेशनल से इंटरनेशनल होने जा रहा है धर्मशाला और G20 की जो कॉन्फ्रेंस है इसका मौका मिला है स्टेट को होस्ट करने के लिए और ख़ास तौर पर धर्मशाला को होस्ट करने के लिए मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। और जो एक माननीय मुख्यमंत्री का एक जो ड्रीम है कि ज़िला कांगड़ा को टूरिज़म कैपिटल बनाया जाए उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है वो बहुत सार्थक रहे। डेलीगेट्स के लिए एक जो ट्रेडिशनल वेलकम है वो भी एयरपोर्ट पे किया जा रहा है, उनको टीका लगा के वेलकम किया जाएगा और साथ साथ वहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल डांसेस भी हैं उनके साथ भी उनको वहाँ पे रूबरू कराया जाएगा एयरपोर्ट पे और हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं शहनाई है और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी जो स्वागत है उनका विभिन्न स्थानों पर वो भी किया जाएगा, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो होटल हो और सब जगह ये व्यवस्था है वो की जा रही है। और उनको एक जो सोवेनियर्स हैं वो भी एक ट्रेडिशनल जो हिमाचली सोवेनियर्स हैं उनके द्वारा ही उनको जो है उनको दिया जाएंगे ताकि दे शुड कैरी मेमोरी ऑफ हिमाचल बैक होम और जो हिमाचल की जो एक मैं कहूँगा फेम है वो वाइड स्प्रेड ट्रैवल करें। योगा का जो है वो आयोजन किया गया है क्योंकि योग हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और 20 तारीख को मॉर्निंग में होटल के अंदर ही उनके लिए योग की जो व्यवस्था है वो की गई है। गाला डिनर है 19 तारीख को जो है वो गाला डिनर किया जाएगा और वो HPCA में जहाँ हम इस समय खड़े हैं वहाँ पर वो किया जा रहा है और 99% चांसेस हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भी इस जो है इस गाला डिनर के लिए उपस्थिति अपनी देंगे और सभी डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और जो हिमाचली सोवेनियर्स उनको देने हैं वो भी प्रेजेंट उनको यहीं किए जाएंगे।